और ब्रेक के बाद रुख करते हैं बड़ी खबर का। बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव जोर शोर से महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आजमगढ़ में महागठबंधन की रैली के लिए पहुंचे धर्मेंद्र यादव से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं कि सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ में आज महागठबंधन की रैली है और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इस रैली को उन्हें हर हाल में सफल बनाना है। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं जो यहां पे डेरा डाले हुए हैं कई दिनों से और यहां पे चुनाव प्रचार की कमान करीब करीब संभाले हैं। धर्मेंद्र जी, गठबंधन की रैली है, आपने तमाम रैलियां की, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजमगढ़ से खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए आप इसको बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा का विषय बना के इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। जहां तक इस रैली का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस चुनाव की बहुत चुनिंदा ऐतिहासिक रैलियां होंगी, उनमें से एक ही रैली आज होगी यहां पे। और इसलिए होगी क्योंकि आजमगढ़ के जन जन में माननीय अखिलेश जी की उम्मीदवारी को लेकर, उनके यहां से चुनाव लड़ने को लेकर, उनको यहां से ऐतिहासिक वोटों से सांसद बनाने को लेकर न केवल लोग साथ हैं बल्कि उत्साह के साथ साथ हैं। जो साथ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि और किन किन साथियों को हम साथ जोड़ सकें और यहां के मतदाता स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता बनके चुनाव लड़ रहे हैं और सपा बसपा का जो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक गढ़ है। आज भी जब देश में प्रदेश में योगी जी की मोदी जी की सरकार है, उस समय भी आजमगढ़ के सांसद आदरणीय नेताजी स्वयं हैं अभी और 10 में से 9 विधायक आज भी सपा बसपा के हमारे गठबंधन के हैं और यहां के लोगों को दिल में पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए और दोनों ही पार्टियों का जब गठबंधन हो जाए तो मैं समझता हूं फिर आजमगढ़ में कुछ बसता नहीं है। धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जब विपक्ष कहता है कि जो महामिलावटी गठबंधन है सिर्फ कुर्सी पाने के लिए है, अपनी राजनीति को बचाने के लिए है, तो राजनीतिक हैसियत खत्म हो रही थी, इसलिए दोनों धुर विरोधी एक दूसरे के गले में गाले डाल करके आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं? विरोधी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर हमारी हैसियत केवल 2-3 लोगों की पार्टियों को एक होने में से उनको लगता है वो जस्टिफाइड कर रहे हैं कि खत्म हो रही थी, तो वो ये बताएं कि 46 दलों को जोड़ने के लिए उनकी हैसियत किस स्तर तक नीचे गई थी कि उन्होंने 46 दलों का, अब महामिलावट के आगे तो कुछ नाम भी नहीं बचता है, हम क्या नाम दें इस 46 दलों के भानुमती के कुनबे को। इसलिए वो पहले अपने गरेबा में झांकें, एक उंगली हमारी तरफ उठाने से पहले 4 उंगलियां उनकी तरफ पहले जा रही हैं क्योंकि उनका ये गठबंधन पुराना चला रहा है एनडीए का, 14 से ही वो 46 दलों के साथ चल रहे हैं। तो पहले वो अपनी परिभाषा बताएं, अपनी स्थिति बताएं कि कहां तक नीचे गए थे, उसके बाद वो हमसे सवाल करें। कोई नैतिक हक नहीं है हमारे गठबंधन से सवाल करने का। और जहां तक इस गठबंधन का सवाल है, ये देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी किसान मजदूर छात्र नौजवान, इस समाज के हर वर्ग के लोगों का ये गठबंधन है, इसलिए इस गठबंधन पर सवाल ना उठाएं। ये गठबंधन समाज का स्वाभाविक गठबंधन है जो देश की हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो देश का हमारा सामाजिक ताना वाना है, उन तमाम चीजों को परिलक्षित करने वाला ये गठबंधन है। वो कह रहे नेता तय नहीं, नियत साफ नहीं और आज देश पे जिस तरह से देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, देश को बचाना है, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है इसके पास कोई ना नीति है ना नेता है ना नियति है। नीति भी है, नियत भी है, नेता भी है। और देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाले लोगों से जरा मैं पूछना चाहता हूं कि पठानकोट पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ तो पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को वहां का इंस्पेक्शन कराया आपने एयरबेस का, यही आपका सामाजिक, ये आपने सम्मान बढ़ाया देश का। उरी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, बताओ आपने क्या किया? आज भी ऑन एन एवरेज हर दिन एक सैनिक हमारा सीमा पर शहीद हो रहा है, बताओ 56 इंच वालों तुमने क्या करके दिया है? हाँ, सम्मान बढ़ाया था आदरणीय नेताजी ने देश के रक्षा मंत्री के तौर पर, सियाचिन पे खड़े होकर फायरिंग कराई थी पाकिस्तान के ऊपर, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। कल मेरी कुछ सैनिकों से मुलाकात हुई आजमगढ़ के, जो सैनिक छुट्टी लेके आए माननीय अखिलेश जी को चुनाव लड़ाने के लिए, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आदरणीय नेताजी ने अपने रक्षा मंत्री तो कार्यकाल में जो सेना के लिए काम किया, हम सेना के लोग आज भी ऋणी हैं। इस तरह की भावना हमारे नेताओं के लिए है और देश के आज प्रधानमंत्री तय नहीं है, इस 5 साल की सरकार में कितने रक्षा मंत्री बदल दिए, कहां पर स्वाभिमान की बात करते, किस तरह से देश के अंदर नौजवानों को गुमराह कर दिया, आज नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं पकौड़ा बेचो जाके नौजवानों से, आज उन लोगों को कह रहे हैं जिनको गरीबों को जिन्होंने उम्मीद लगा ली थी कि शायद मोदी जी कुछ खाते में पहुंचाएंगे, आज उनसे कहते हैं कि चुनावी जुमला है। तो जनता सवाल कर रही है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में हैसियत है, हैसियत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हैसियत है तो 14 के मुद्दे पर चुनाव लड़के देखें, नहीं लड़ पा रहे हैं आज, केवल हम लोगों को बदनाम करके हम लोगों के परेशान हैं
कि समाज के दबे कुचले, सोचो इनकी क्या नीयत है। कल एक परसों एक नेता का बयान आता है कि हम लोग गोबर वाले लोग हैं। आज मैं सुबह एक अखबार में पढ़ रहा था, एक केंद्र सरकार की एक मंत्री कह रही है कि सांप और नेवले का है, स्वयं मोदी जी कहते हैं कि हम लोग सांप छिछुंदर का गठबंधन है। तो इनकी नीयत क्या है देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए, ये साफ जाहिर हो रहा है। इसलिए ये लोग, अब मैंने पहले कई बार कई स्पीचों का, मैं फिर कहता हूं आपके सामने, ये लोगों की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई नेताओं की, बीजेपी और उनके समर्थकों की। इसलिए ये इतने अभद्र, इतने अमर्यादित भाषण और आचरण कर रहे हैं, इतने शायद देश की राजनीति में कभी नहीं हुए। मरे हुए लोग जो देश के प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हालांकि दूसरी पार्टी के हैं, हम लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे भारत की, हमारे देश की परंपरा नहीं रही कभी कि ऐसे लोगों पर आरोप लगाने की, उसके आरोप लगा के चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ जितनी मर्यादाएं थी, मान्यताएं थी, परंपराएं थी, जो मजबूत परंपराएं थी, स्वस्थ परंपराएं थी, वो सब तोड़ दी इस चुनाव में बीजेपी ने। और जनता इन तमाम चीजों को देख रही है, और जनता जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आ रहा है अपने अपने इलाकों में जवाब दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे धर्मेंद्र यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया था तो 2014 के घोषणा पत्र पर क्यों नहीं चुनाव लड़ती। दूसरी बात रही तो उसे लगता है कि पिछड़ों और दलितों का जो गठबंधन हुआ है वो उस पर कहीं भारी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाकर अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ अखिलेश मिश्र, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आजमगढ़।